हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नियो फ्रॉडियन थ्योरीज के बारे में। हम लोग जानते हैं कि ये दो टाइप्स की थ्योरीज होती हैं, ईगो थ्योरीज और सोशल थ्योरीज। तो ईगो थ्योरीज पहले देखते हैं। तो मेनली इनमें हेंस हार्टमैन एंड डेविड रपापोर्ट, इन्होंने ये जो दो थ्योरिस्ट हैं इस कैटेगरी में आते हैं। और इनके अनुसार ईगो पजेस्ड इन बॉर्न कैपेसिटीज मैच्योर्ड इंडिपेंडेंटली। इन्होंने कहा था कि ईगो जो होता है वो इनबॉर्न कैपेसिटीज होता है और वो इंडिपेंडेंटली समय के साथ मैच्योर करता है। जबकि फ्रॉयड बोलते थे कि ईगो लर्न इन ऑर्डर टू मीट द डिफेंसिव नीड, मतलब वो जन्मजात होती है ईगो। तो अब उसके बाद आए एरिक्सन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे के वीडियो में मैं इनके स्टेजेस के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगी। चलिए अभी थोड़ा सा जानते हैं कि एरिक्सन जो है, उन्होंने एक्सपेंडेड फ्रॉयड्स थ्योरी एंड ही कंसिडर्ड अ सीक्वेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ईगो विच पैरलर द स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉयड। तो एरिक्सन साहब ने, जैसे कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है फ्रॉयड का, उसके पैरलर ही एक्सपैंड किया। और इन्होंने फेजेस ऑफ एपिजेनेसिस, जो 8 स्टेजेस हैं, उसको दिया, जो कि इक्विवेलेंट है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट फ्रॉयड के। लेकिन जो लास्ट 4 स्टेजेस जो है एरिक्सन के, उसमें एडोलेसेंस और एडल्टहुड कंट्रीब्यूशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया, जो कि फ्रॉयड ने नहीं दिया था। सो एरिक्सन रिकॉग्नाइज्ड ब्रॉडर पैटर्न ऑफ सेंसरी मोटर कॉग्निटिव एंड सोशल कैपेसिटीज इन द इन्फेंट्स बायोलॉजिकल इक्विपमेंट एंड प्रपोज्ड द नोशन ऑफ डेवलपमेंटल मोड्स विच रिप्रेजेंटेड द अनफोल्डिंग ऑफ दिस जेनेटिकली इंडोर्ड कैपेसिटी। ठीक है, तो इन्होंने डिटेल में बताया सेंसरी मोटर कॉग्निटिव सोशल कैपेसिटीज, जो कि बच्चे में इनबॉर्न होते हैं बायोलॉजिकल इक्विपमेंट की तरह, और समय के साथ वो धीरे धीरे अनफोल्ड होते हैं। सो ईच डेवलपमेंटल मोड इज कैरेक्टराइज बाय अ फेज ऑफ स्पेसिफिक टास्क टू विच सॉल्यूशन मस्ट बी फाउंड। इनके अनुसार हर डेवलपमेंटल मोड में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स टास्क होते हैं जिसको कि सॉल्यूशन उसका बहुत जरूरी है। और इफ द सॉल्यूशन इज सेटिस्फैक्ट्री द चाइल्ड इज प्रिपेयर टू द नेक्स्ट फेज। और अगर उस कैरेक्टरिस्टिक टास्क में अगर बच्चा फेल होता है तो एडेप्टिव डिफिकल्टीज होती हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती हैं। अब नियो फ्रॉडियन सोशल थ्योरिस्ट जो हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं कैरन हॉर्नी, एरिच फ्रॉम एंड सुलिवैन। तो कैरन हॉर्नी जो हैं, तो उनके अनुसार सेंट्रल डिटरमिनेंट ऑफ पैथोलॉजी इज एंजाइटी स्टेमिंग फ्रॉम चाइल्ड्स फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी आइसोलेशन एंड हेल्पलेसनेस। इनके अनुसार जो भी बिहेवियर प्रॉब्लम आता है, न्यूरोसिस होता है, वो बच्चे की फीलिंग, जो बचपन में जो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है, आइसोलेशन है, हेल्पलेसनेस है, उसके द्वारा जनित एंजाइटी के कारण होता है। चाइल्ड कोप्स विद एंजाइटी बाय एडॉप्टिंग अ वैरायटी ऑफ स्पॉन्टेनियस स्ट्रेटजीज एट डिफरेंट टाइम्स। बच्चा जो है एडॉप्ट करता है एंजाइटी से, जैसे एम्बिशियस हो सकता है, एक्सप्लॉयटिव हो सकता है, एवॉयडेंट हो सकता है, हॉस्टाइल हो सकता है, एंड डेवलप कैरेक्टर पैटर्न्स। अब कैरेक्टर पैटर्न्स कौन कौन से हैं? मूविंग टुवर्ड्स पीपल, मूविंग अगेंस्ट पीपल एंड मूविंग अवे फ्रॉम पीपल। ये 3 कैरेक्टर पैटर्न्स डेवलप करके बच्चा एडॉप्ट करता है। अब मूविंग टुवर्ड्स पीपल मतलब अप्रूवल और लव के लिए बच्चा जो है आगे आता है। अगेंस्ट पीपल में एरोगेंस दिखाता है, रिबेलियस बिहेवियर दिखाता है। और मूविंग अवे फ्रॉम पीपल में डिटैचमेंट दिखाता है, सोशली अलग थलग रहता है। तो ये 3 जो है कैरेक्टर पैटर्न्स एडॉप्ट करता है बच्चा अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए। सो इंडिविजुअल लिव इन अ फॉल्स इमेज कॉट इन हिज ओन वेब ऑफ डिसेप्शन ड्यू टू बेसिक कॉन्फ्लिक्ट। तो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट होता है अगर इनको रिजॉल्व नहीं किया जाओ, एंजाइटी ज्यादा हो। तो CAD इज अ सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरी
डिजाइन टू मेजर थ्री इंटरपर्सनल कोपिंग स्टाइल्स है, जो तीन कोपिंग स्टाइल्स है उसको मेजर करने के लिए, डिस्क्राइब्ड बाय हॉर्नी एंड इट कंटेन्स 35 आइटम्स। ये सब क्वेश्चन स्मॉल स्मॉल आ सकते हैं एग्जाम्स में, ध्यान दीजिए। नाउ एरिच फ्रॉम जो थे उन्होंने कहा मैन सोशल एनिमल है, इस पर ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया और सोसाइटी के वैल्यू को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया, द रोल ऑफ सोसाइटी इन मेंटल डिसऑर्डर्स। सो मैन लूजेज हिज नेचुरल स्पॉन्टेनिटी एंड फ्रीडम बिकॉज ही इज फोर्स टू अचीव सोशल कन्फॉर्मिटी। उनके अनुसार मैन जो है, इंडिविजुअल जो है, वो अपना नेचुरल आइडेंटिटी, स्पॉन्टेनिटी और फ्रीडम नहीं शो कर पाता है, खो देता है सोशल कन्फॉर्मिटी की वजह से, सोशल प्रेशर की वजह से। तो साइकोसेक्सुअल कैरेक्टर को उन्होंने मॉडिफाई कर दिया सोशल कैरेक्टर टाइप्स पे। और कौन कौन से टाइप्स है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैंने अलग से इसको लिखा है। ये देखिए फ्रॉम कैरेक्टर टाइप्स हैं, जो एंजाइटी इन आइसोलेशन जो है, क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करके अपनी एंजाइटी को इंसान दूर करता है। द रिसेप्टिव कैरेक्टर मतलब ऑलवेज एक्सपेक्ट्स हेल्प फ्रॉम अदर्स, हमेशा वो दूसरों से हेल्प चाहता है इंसान। होर्डिंग कैरेक्टर होता है वो सेल्फिश नेचर होता है, हमेशा अपने बारे में सोचता है और अपने बारे दूसरों के बारे में नहीं सोचता है अपनी एंजाइटी को दूर करने के लिए। एक्सप्लॉयटिव कैरेक्टर होता है वो कनिंगनेस, साम दाम दंड भेद लगा करके और हमेशा अपना अपनी चाल चल के अपने बारे में फुलफिल करता है और अपनी एंजाइटी को दूर करता है। मेकिंग कैरेक्टर होता है कंसिडर देमसेल्व्स एज कमोडिटी, वो खुद को अपने को अपने स्किल्स को बेचते हैं और अपने आप को कमोडिटी समझते हैं कि हम अपने आप को मार्केट में डाल के अपनी एंजाइटी को दूर करते हैं एक्सेप्टेंस के लिए। दूसरा होता है प्रोडक्टिव कैरेक्टर, ये मोस्ट डिजायरेबल पर्सन होता है सोसाइटी में और हमेशा वो प्रोडक्टिव होता है, सोसाइटी के लिए भी प्रोडक्टिव फील करवाता है खुद को। नेक्स्ट आते हैं सुलिवियन, जो इम्फेसिस ऑन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड नॉट सेक्सुअल ड्राइव्स, जो कि फ्रॉयड ने कहा था सेक्सुअल ड्राइव्स इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और सेंट्रल रोल जो होता है वो एंजाइटी होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है एडजस्टमेंट में। एंड एंजाइटी इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अगर अच्छा नहीं होता है तो एंजाइटी डेवलप होती है। तो कंसेप्ट ऑफ सेल्फ सिस्टम उन्होंने दिया, सेल्फ सिस्टम जो होता है एंजाइटी को अवॉइड करने के लिए, जैसे कोई बिहेवियर को रिवॉर्डेड होता है, जो रिवॉर्ड मिलता है तो फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी आती है, और बिहेवियर को पनिश किया जाता है तो एंजाइटी आती है। और यही एंजाइटी जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की वजह से होती है और बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और न्यूरोसिस, न्यूरोटिक बिहेवियर डेवलप हो सकता है। ही ऑल्सो एक्सप्लेन पैथोजेनिक सोर्स ऑफ न्यूरोटिक बिहेवियर, कॉन्ट्राडिक्टरी और कन्फ्यूजिंग गाइड्स फॉर बिहेवियर्स नॉट ओनली प्रोड्यूस इन एंजाइटी। जैसे कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर को उन्होंने बहुत कहा, जैसे कि फादर जो है हमेशा जॉली मूड में रहते हैं बच्चे के साथ, और कभी कभी कुछ ओकेजन्स में प्रीवियसली वो अचानक से बहुत हार्श बिहेव करते हैं, तो बच्चा जो है हमेशा डरता है कि पता नहीं क्या फादर जो है कैसे बिहेव करेंगे। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर होते हैं वो बच्चे में एंजाइटी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम या एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू।